अब अकेले कपालभाति से। सो से ज्यादा बड़े रोग ठीक होते हैं, कितनी बड़ी महिमा है इसकी। मैं आपको संकेत भर कर रहा हूं, लय के साथ करते रहो अनुष्ठान की तरह, अखंड करना, रुकना नहीं बीच में। इसके लाभ क्या क्या है? एक तो मूलाधार से सहस्रार तक, मूलाधार स्वाधिष्ठान मणि पुरुष हृदय विशुद्धि आज्ञा गुरु सहस्रार, अष्ट चक्र इससे जागृत हो जाते हैं। दूसरी बात, पाइल्स फिसल फिस्टूला बड़े कठिन रोग है, हम इसमें सुबह खाली पेट ठंडे दूध में नींबू एक निचोड़ करके पीने के लिए कहते हैं, केले में कपूर डाल करके खाने के लिए बोलते हैं, गिल नीम बकायन रसोत हरड़ इसका पाउडर करके एक एक चम्मच सुबह शाम खाने के लिए बोलते हैं, पाइल्स फिस्टूला में लाभ होता है, ठीक हो जाते हैं। लेकिन बार बार हो जाती है पाइल्स, एक बार फिस्टूला का ऑपरेशन कराया दोबारा हो जाता है लोगों को। हम भी करते हैं क्षार सूत्र से ऑपरेशन भी करते हैं, उसका शल्य चिकित्सा भी करते हैं, जैसे महर्षि सुश्रुत ने बताया। कपालभाति से पाइल्स फिसल फिस्टूला तीनों ठीक हो जाते हैं। अगली बात और बड़ी, पुरुषों को धातु रोग, इनफर्टिलिटी, स्पर्म न बनना, कम बनना, उसका विकास पूरा न होना, यौन दुर्बलता, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, जितने भी प्रकार के, जवानों को स्वप्न दोष, कई प्रकार के धातु रोग हैं पुरुषों, लेडीज में वाइट डिस्चार्ज, मेंस्ट्रुएशन के इंबैलेंसेस, ओवरी में सिस्ट, यूट्रस में सिस्ट, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, फिलिपियन ट्यूब का बंद होना। मैं 100 से ज्यादा बीमारियों के नाम बता रहा हूं और वो मैंने ठीक किए प्राणायाम से, उसके पूरे साइंटिफिक एविडेंस हमारे पास है। मैं खाली ये किताब पढ़ के नहीं बोल रहा हूं, और आपकी जानकारी के लिए अभी तक इस धरती पर पतंजलि से जो हमने लिखा वो अलग बात है, धरती पर जितनी भी किताब है योग के बारे में या कोई मेडिकल साइंस की, उसमें कहीं पर नहीं लिखा जो मैं बोल रहा हूँ, यूट्रस के फाइबर्स इससे मेल्ट हो जाएंगे, ओवरी की सिस्ट खत्म हो जाएंगे विद इन 1-3 months, ज्यादा टाइम नहीं लगता। ये सारा मैं अनुभव के आधार पर कह रहा हूं, हिंदी में इसको बोलते अनुभूतिक सत्य, जे अनुभव कर्या छे ए सत्य ने हूं शब्द थी अभिव्यक्ति दे आपी रही छु। यूट्रस, ओवरी में सिस्ट, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, फिलिपियन ट्यूब बंद थी गई, ओपन थी जाए। हूँ राजकोट में शिविर करता हूं, 12-14 वर्ष पहले एक बहन आई थी, बे ट्यूब बंद थी, इना एक्सरे ने बड़ी रिपोर्ट लेने आई, सतत 9 महीना प्राणायाम कराया, अरे ट्यूब ओपन थी गई, अने साथे दीकरो थी गयो, ए दीकरो लईने पोतानी रिपोर्ट लईने आवी, स्वामीजी बधाई डॉक्टर मने ना पाड़ी दीधी हती कि तमे माँ नहीं बनी शको, प्राणायाम करता योग करता हूँ माँ बनी गई, मने आशीर्वाद आप। ये तो एक बात, क्योंकि मुझे बहुत से प्रसंग याद हैं, अभी तक मैं करोड़ों लोगों के योग शिविर ले चुका हूं, लाखों के नहीं, मैं कह दूं कि आ लाखों नहीं करोड़ों लोगों ऊपर आ योग नो प्रयोग करियो, पछी जे परिणाम आव्या इने हूँ शब्द में कहूँ छू, कोई पुस्तक में लखेलो नहीं कि फिलिपियन ट्यूब एनाथी ओपन थी जाए, कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सारी थी जाए, कि यूट्रस ना फाइब्रॉइड ओवरी ना सिस्ट एना था सारा थी जाए, ए कोई पुस्तक में नहीं लखेल, पण एनाथी थाय छे।
સતત કરો બધા. હા સતત ચાલુ રાખો. બીજું શું શું થાય? જેને સંતતિ ન હતી અને સંતતિ થઈ ગઈ, અને પછી જે બ્રહ્મચારી સંન્યાસી યોગ કરે એ ઉર્ધ્વરેતા થઈ જાય. બંનેનો લાભ, ગૃહસ્થનો લાભ, સંન્યાસીનો પણ લાભ. કોઈની કિડની લેવલ વધી ગયું એનાથી કિડની ફેલ થઈ જાય. હમને પ્રાણાયામ કરકે કિડની લેવલ કો નોર્મલ કરાય. એસે હજારો લાખો લોકો કો કિડની ફેલિયર સે બચાયા. યે ધીરે ધીરે હમકો પતા લગા, જૈસે જૈસે કરાતે ગયે, બ્લડ ટેસ્ટ કરાયા તો પતા લગા, અરે યે તો ક્રિએટિનિન લેવલ બડા હુઆ તો ઘટ ગયા. ફિર હિમોગ્લોબિન કમ થા વો બઢ ગયા. મેરા હિમોગ્લોબિન જબસે પ્રાણાયામ કો પહેલે મેં આસન જ્યાદા કરતા થા, મેં ખુદ ભી વ્યાયામ જ્યાદા કરતા થા, 500 1000 દંડ લગાતા થા. આજ ભી લગવાયેંગે તુમસે ભી, થોડી દંડ બેઠક મેં લગાયેંગે તો થોડા બોડી પે તો સ્ટ્રોંગ હોની ચાહીએ ના, સર્દી ભી ભગાયેંગે. એ તો ગુજરાત મેં ઠંડ હોતી નહીં, અભી ફરવરી મેં ઠંડ હો રહી, ઇધર ભી થોડા સર્દી ભી ભાગેગી, શક્તિ જાગેગી. મેરા હિમોગ્લોબિન 25 સાલો સે 17.5 રહેતા હૈ. હિમોગ્લોબિન તો બેનો નો તો 10-12-14 થઈ જાય તો ગુમ, મોટી વાત. એનાથી તમારું હિમોગ્લોબિન 15-16 થઈ જ જશે બધાના માટે, અને ભાઈઓનો 17 સુધી. મને 14-17 કે બીચ મેં હિમોગ્લોબિન રહેગા, ઉસે ડાઉન નહીં રહેગા, ગારંટીડ વાત હૈ. ચાહે પીરિયડ ચાલ રહે હો યા બંધ હો ગયો, બહેનો કો ભાઈઓ કે હિમોગ્લોબિન ઇસે અચ્છા હો જાતા હૈ. વિટામિન એ, વિટામિન બી, વિટામિન સી, વિટામિન ડી, વિટામિન બી12, નો ડેફિશિયન્સી, કોઈ ડેફિશિયન્સી નહીં. કિતની બડી બાત, કિતની દવાયા ખાતે, કેલ્શિયમ કી ડેફિશિયન્સી, આયરન કી ડેફિશિયન્સી. ઓર યે ખાતે પીતે લોગો કો, ગરીબ લોગો કો નહીં ખાતે, યે અમીર લોગો કો બીમારી હૈ. ગરીબ લોગો કા તો વિટામિન ડી, બી12 સબ ઠીક રહેતા, ધૂપ મેં પડે રહેતે. યહાં ધૂપ લગે તો બોલે સ્કિન બર્ન હોને લગતા હૈ, ધૂપ મેં બેઠતે હી નહીં. ઇસે સારે બ્લડ રિપોર્ટ એકદમ નોર્મલ, કોલેસ્ટ્રોલ નોર્મલ હો જાતા ઇસે, કોલેસ્ટ્રોલ ટ્રાઇગ્લિસરાઇડ. અચ્છા કોલેસ્ટ્રોલ બોલતે HDL, અચ્છા કોલેસ્ટ્રોલ કો ક્યા બોલતે બોલો, HDL, હાઈ ડેન્સિટી લાઇપોપ્રોટીન. HDL બઢતા ઇસે પ્રાણાયામ સે. બાકી ભી જિતની એક્સરસાઇઝેસ હૈ HDL બઢાતી હૈ, પ્રાણાયામ ખાસ और खा कोलेस्ट्रॉल कम कर दे. जैसे फलों में बादाम, अखरोट, ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते HDL, और खराब कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाते. काजू अच्छा कोलेस्ट्रॉल घटाता है, खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है. इसलिए हम काजू खाने की सलाह नहीं देते कभी भी. एक दो खा लिया तो कोई बात नहीं टेस्ट में, लेकिन मजा बहुत आता है काजू खाने में. पहले मजा बाद में सजा, इसलिए मैं काजू खाने के लिए ना बोलता हूं. कुछ लोग कहते हैं इसमें तो हमने वो रोस्टेड वाला खाया, उसमें से ऑयल तो निकाल दिया, तो फिर वो और ज्यादा विकार पैदा करता है शरीर में. रोस्टेड बादाम, रोस्टेड काजू तो खाने ही नहीं चाहिए. मैं आपको अभी लेटेस्ट एग्जाम्पल देता हूं, हमारा शरीर तो शुद्ध है. अब हम पूरे देश में, हम तो इमरजेंसी में प्राइवेट प्लेन में चलते हैं, नहीं तो रेगुलर फ्लाइट में जाते आते हैं, और ज़्यादातर आजकल सर्विस इंडिगो की हो गई. अब उसमें मेरी इतनी यात्रा होगी तो जब भी बैठते तो हर बार कभी काजू कभी बादाम ऐसे बोले, क्या लोगे? अरे हमको कुछ नहीं लेना. फिर भी बोले लेना तो पड़ेगा ही आपको. तो हमने पिछली बार वो लेकर हम सबको बांट देते, जो भी कोई बैठा पड़ोस में उसको खिसका देते. पिछली बार हम बैठे थे तो एक पड़ोस वाले ने कहा कि आप भी दो चार खाओ.
मैंने 5 दाने खाए होंगे उसके पास, 7 दाने। 3 दिन ऐसी ड्यूटी रही रोस्टेड बादाम खाने से, काजू तो खाते नहीं। रोस्टेड बादाम अत्यंत पित्तकारक होता है, पूरा पाचन तंत्र को गड़बड़ कर देता है। 3 दिन फिर दूध पिया तो जाकर के वो ठीक हुआ पूरा, और हरी सब्जी बहुत खाया, सलाद खाया, तब जाकर के ठीक हुआ। हम लोग इतना शरीर को कचरा बना रखा है, कुछ भी खाते रहते हैं जैसे शरीर कूड़ादान हो। करो कपाल भाति, इससे हमने किडनी को ठीक किया, लीवर, एसिडिटी, एसिडिटी, ब्लूरिबिन सब ठीक हो जाता है, हेपेटाइटिस ठीक किया। मैं कपाल भाति के 100 से ज्यादा लाभ बता रहा हूं। इंटेस्टाइन की बीमारी, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, लीवर की जितनी बीमारियां, आंत्रड़ा की जितनी बीमारियां, आंत की, किडनी की जितनी बीमारियां, और पेनक्रियाज की जितनी बीमारियां, पेनक्रियाज में सोजन आ जाए तो पेनक्रियाटाइटिस, पेनक्रियाज ना बीटा सेल्स डीजनरेट सही दे तो फिर उसको बोलते हैं डायबिटीज टाइप 1 टाइप 2। वर्ल्ड में पहली बार डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो सकते हैं, इंटरनेशनल ऑथेंटिक जर्नल में हमने रिसर्च पेपर पब्लिश करवाया। डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो सकते हैं, अर्थात डायबिटीज क्योर हो जाती है। ये योग से हो रहा है, डायबिटीज क्योर, बीपी क्योर, थायराइड क्योर, हार्ट की प्रॉब्लम क्योर, ऐसे नहीं हमें ऑटोइम्यून डिजीज क्योर, अस्थमा क्योर, आर्थराइटिस क्योर, आर ए फैक्टर नेगेटिव आ जाता है, ESR बढ़ा हुआ कम हो जाता है, यूरिक एसिड कम हो जाता है, शरीर में सोजो अभी की हो उतरी जाए, सेलिंग खत्म, अर्थराइटिस ठीक, हेपेटाइटिस, कोलाइटिस, अर्थराइटिस, सोराइसिस, इन बीमारियों का कोई इलाज नहीं है मेडिकल साइंस में। उस समय हम ये आधा आधा घंटा करवा देते, आधा आधा घंटा, इसलिए इतनी देर से मैं आपको कपाल भाती करवाई जा रहा हूं। करो ए 10 से 15 मिनट ओछा मोछू करवानू छे, अद्भुत। हड्डियों की बीमारी, बोन मेरो की बीमारी, चमड़ी की बीमारी, आंखों की बीमारी, कान की बीमारी, कैटर गुरकोमा तक ठीक हो जाता है, कान का जो पर्दा अंदर से फट गया वो भर जाता है। अरे क्या ठीक नहीं, डीजनरेट हुए सेल्स रीजनरेट हो जाते हैं।